हफ्ता हमारे साथ है दोस्तों, लेटली हम टच में आए, अच्छे दोस्त बने और उनका जो स्टॉक मार्केट का अंदर का इंटरेस्ट था, यू नो ही वांटेड टू गिव एन अमेजिंग वैल्यू एडिशन टू यू गाइस, और इसलिए वो यहां पर आए हैं फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम. बट यू नो मुझे पूरा भरोसा है कि आप आज जो इस 20 मिनट के अंदर सीखने वाले हैं, दैट्स गोना ऐड लॉट ऑफ वैल्यू टू यू इन टर्म्स ऑफ योर ग्रोथ. ऑलराइट, सो आर यू गाइस एक्साइटेड? ऑलराइट, कम ऑन, शो मी सम एनर्जी. आर यू गाइस एक्साइटेड? ऑलराइट, लेट्स हैव वन बोर्ड ऑफ अप्लॉज फॉर रुचिर गुप्ता. सो एवरीबॉडी, सूरत से जय जयेंद्र, जय श्री कृष्ण. तो वैसे स्टॉक मार्केट के बारे में बोलूंगा, बट कुछ और चीजें भी आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ. इतनी सारी यहाँ पे ग्रोथ से रिलेटेड बातें हुई हैं. स्टॉक मार्केट एक छोटी सी चीज है यार, एक्चुअल चीज माइंडसेट है. और जो माइंडसेट मैंने सीखा है, अभी गोविंद ढोलकिया जी थे सुबह, उन्होंने एक चीज़ बोली कि उन्होंने 40 साल से क्रोध नहीं किया, और उनके थोड़े उसके बाद ही में मेरे को क्रोध आया. एंड वो क्रोध, मतलब मैंने कुछ मास्टरी करी हुई है क्रोध से लड़ने की. एंड ये कई सालों पहले की बात है, मम्मी से गुस्सा होता था, वाइफ से गुस्सा होता था, 5-5 दिन तक गुस्सा रहता था. उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने उस पर वर्क करना चालू किया. एक दिन का लेकर के आया पीरियड, अभी इधर कैसा हो गया कि एक घंटे में हो जाता है. आज मैंने अपने गुस्से को मास्टर किया, शांति से मेडिटेट करके केवल 5 सेकेंड या 5 मिनट में मैं वापस उससे बाहर आया. इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज कोई भी तरीके का इन्वेस्टमेंट, किसी भी तरीके का आप ग्रोथ कर रहे हो, कंपनी चला रहे हो, यार इमोशनल इंटेलिजेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. कैसे बताता हूँ. कभी कभी गुस्सा आएगा, आपको किसी को फायर करने का मन करेगा, और आपने फायर कर दिया, वो बहुत बंदा काम का है, अब आएगा नहीं वापस. आप लोग एग्री करते हो? करते हो, ठीक है. अभी क्या है कि 40 साल से अगर किसी ने गुस्सा नहीं किया, दिस मीन्स कि उन्होंने कितना मास्टर कर लिया अपने आप को. और सेम मास्टरी हमको करनी है. अगर हमने, मतलब देखिए, हम बढ़ ऐसे भी सकते हैं, बट अगर गुस्से को हम कंट्रोल कर लें तो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकते हैं. और मैं बताता हूँ, स्टॉक मार्केट में ये एक बात बोली जाती है कि अगर सुबह सुबह किसी से झगड़ा हुआ है तो उस दिन ट्रेड नहीं करना है, ठीक है. अब ये तो इंट्राडे ट्रेडर की बात हो गई, जो लोग रोज ट्रेड करते हैं, रोज खरीदते हैं बेचते हैं. बट यार अपन जैसे पोजिशनल ट्रेडर है, 1 महीने का या 2 महीने का ट्रेड लेते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस दिन जिस दिन अगर किसी के साथ में गड़बड़ बात हुई ना, डिसीजन कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है. जो रखा हुआ स्टॉक है पता चला बेच दिया, या गलत स्टॉक बाय कर लिया, ठीक है. तो माइंड सेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट में या किसी भी चीज में. मेथड भी इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा आप लोगों को थोड़ी सी छोटी सी अपनी पास की जर्नीज बताऊंगा, ठीक है, और फिर स्टॉक मार्केट पे भी चल देंगे, ठीक है. बिकॉज प्रेजेंटेशन जो ये मैंने बनाया है, ये दिल्ली के एयरपोर्ट पे बैठ करके बनाया था, एंड उसमें टिकट में बोर्डिंग टाइम कुछ लिखा हुआ था, और मैं सोच रहा था बस यहीं से ही अभी जब लाइन खत्म होगी जा करके बोर्ड कर लूँगा प्लेन. और बाद में पता चला हम T3 पे बैठे थे और T1 से फ्लाइट थी, और 20 मिनट ऑलरेडी जा चुके थे, और तभी पता चला कि यार इधर नहीं है वो तो 8 किलोमीटर दूर है. तो अब ये प्रेजेंटेशन जो भी है, मेरे को प्रेजेंटेशन वैसे भी नहीं बनाने का था, तो बट आया इधर से कि नहीं बना करके लाना है, तो बना रहा था, और उसके चक्कर में ऐसा कुछ हो रहा था. तो पॉजिटिव माइंडसेट आपको बताता हूँ, 20 मिनट लेट हो चुके थे, मुश्किल से 40 मिनट पहले बोर्डिंग होती है, उसके स्टिल हम, मुझे पता था कि हम फ्लाइट पे पहुंच जाएंगे, और पहुंच गए, बिल्कुल एंड में पहुंच गए, एंड यहां तक पहुंच गए. मतलब अगर मिस हो जाती तो यहां नहीं आ पाता, ठीक है. चलिए आगे बढ़ता हूं. माइंडसेट की बात करो तो, और माइंडसेट किसी भी चीज के लिए इंपॉर्टेंट है. रिटर्न्स अगर आप देखो एसेट क्लास में, तो बहुत सारी एसेट क्लास है, बैंक की FD कुछ दे रही है, नहीं दे रही है, क्या कर रही है, पैसे का मतलब इन्फ्लेशन का रेट आप जानते हो कितना चल रहा है, 8% कभी हुआ करता था, अभी और ज्यादा है, महंगाई बढ़ रही है, ठीक है. इक्विटी मार्केट में 10-15% का रिटर्न है. रियल स्टेट में अब डिपेंड करता है कौन सी सिटी है, क्या है, और साथ में उसमें एक और चीज चाहिए होती है, दबंगई. बिना दबंग हुए रियल स्टेट में, आई डोंट नो सुनील सर कैसे करते हैं, बट बिना दबंग हुए रियल स्टेट में काम करना थोड़ा सा मुश्किल मेरे को लगता है, बट मेरे को लगता है सुनील सर से जुड़ा हूँ तो शायद ज़्यादा आसानी से कर पाऊंगा, और बिना दबंगई के करा जा सकता है, करेंगे, ठीक है. आगे चलते हैं. अभी देखो अपना रिटर्न जो है वो नहीं बढ़ पा रहा है. क्या प्रॉब्लम आ रही है कि अपने जितने भी एसेट क्लासेस हैं सब में कुछ ना कुछ रिटर्न है. इक्विटी मार्केट में हाईएस्ट मैंने दिखाया है. देखो अब वही बात है, जैसे रियल स्टेट में भी ऊपर नीचे होता है, वैसे ही इक्विटी मार्केट में भी डिपेंडिंग ऑन कौन से स्टॉक में आप कर रहे हो ऊपर नीचे होता है, ठीक है. अभी ट्रेडर्स 90% ट्रेडर्स 90% कैपिटल 90 दिन के अंदर गवा देते हैं. क्यों गवा देते हैं? कोई आंसर है आप लोगों के पास? लैक ऑफ नॉलेज और
पेशेंस, फियर, ओके, लालच, सही बात है, सही बात है। देखिए होता क्या है कि हम एफडी में तो पैसा 10 साल के लिए डाल देते हैं, रियल एस्टेट में 25 साल के लिए डाल देते हैं, मगर स्टॉक मार्केट में आते हैं तो अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। मगर लॉन्गर ड्यूरेशन में जब आप ट्रेड करते हो या इन्वेस्ट करते हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये जो 90% लोग जो लूज कर रहे हैं, दे आर दोज पीपल जो बहुत शॉर्ट टर्म, शॉर्ट ड्यूरेशन सोच रहे हैं। अभी अगर आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, दो किसान हैं, एक है राम, एक है कृष्ण। राम क्या कर रहे हैं कि वो पौधे लगा रहे हैं, एंड एक खेती में आप जानते हो कि वर्षा पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, बीजों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, मौसम पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। बट कृष्ण ने क्या किया हुआ है, बगीचा बनाया हुआ है, एंड बगीचा इज नॉट डिपेंडेंट ऑन बरसात, या बगीचा इज नॉट डिपेंडेंट ऑन डेली खाद, या इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कि बार बार सोइंग करनी है। इट इज काइंड ऑफ, मतलब एक रिस्क फ्रीनेस तो आई। उसी पॉइंट से आप देखो कि इन्वेस्टिंग की तरफ जब आप जाते हो तो वो रिस्क फ्रीनेस आती है, क्योंकि इसी वक्त खोद करके पानी पीना यार पॉसिबल नहीं होता, एकदम से नहीं होता पॉसिबल। ठीक है, अभी एक है सरल रास्ता और एक है कठिन रास्ता। सरल रास्ता है, बहुत आसान, किसी से टिप ले लो, कॉपी कर लो, सही है, ठीक है। मगर एक है कठिन रास्ता, खुद सीख करके आगे बढ़ लो। अभी स्टार्टिंग में यार मेरे को भी बड़ी सारी दिक्कतें थी, मेरे को भी नहीं पता था कौन सा डायरेक्शन में स्टॉक लेना है, कौन से डेट को बाय करना है, कौन सा स्टॉक बाय करना है, कुछ नहीं पता था। ठीक है, वो ये स्टार्टिंग का टाइम बता रहा हूँ आपको। उसके बाद में क्या हुआ कि भगवान की दया से ऐसे ऐसे लॉसेस हुए कि समझ में आ गया कि यार सीखना ही पड़ेगा। पहले तो टिप्स वालों से पैसा डुबवाया, उसके बाद में सीखने के बाद भी पैसा डुबवाया, फिर समझ में आया कि नहीं यार खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, अभी एक चीज़ आपको बताता हूँ। देखो, मैंने 90% लोग पैसा गंवाते हैं वो तो मैंने बताया, कितने सारे लोगों को आपको पता है कि मार्केट में क्रैश के बाद में सुसाइड करते हैं, कभी आपने सुना है? सुना है कभी? करते हैं? क्यों करते हैं पता है? क्यों करते हैं सर? अपना इंडिया जो है ना, ये सोने की चिड़िया जो रहा है ना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। ये सोने की चिड़िया का शिकार करने के लिए बड़े सारे लोग आ जाते हैं, कभी ब्रिटिशर आ जाते हैं, कभी मुगल आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। अपने को क्या करना है? अपने को सेल्फ एम्पावर करना है। यार देखो, ये जो 90% पीपल है, 90% लोग नुकसान कर रहे हैं, इनमें से कोई बहुत बड़ा नुकसान करता है। मेरे MBA के टाइम पे मेरा एक फ्रेंड था, उसने अपनी सिस्टर की शादी के पैसे एक ही झटके में, एक ही दिन में सारे गवा दिए। कैसे शादी हुई मेरे को नहीं पता, बट ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? यार हमको ये समझना पड़ेगा, देयर आर बिग पीपल, स्मार्ट पीपल, जो कि कुछ ऐसी क्षमता रखते हैं जिससे एक साथ वो पैसा लूट के ले जा सकते हैं, जैसे पहले ले जाते थे, अभी भी ले जा रहे हैं, ले जाते थे अभी भी ले जा रहे हैं। हमें क्या करना है? हमें अपने आप को, अगर किसी भी तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, सीख लो, उसके बाद आगे बढ़ो। बिना सीखे क्या होगा? अगर आप समझो कि स्विमिंग नहीं आती, बिना सीखे अगर स्विमिंग करने की कोशिश करोगे क्या होगा, क्या होगा बताओ? पीछे से डूब जाएंगे, पक्का? बिल्कुल सही कह रहे हैं, डूब जाएंगे। ठीक है, अभी ये एक स्टूडेंट का फीडबैक था, ह्यूज इकोनॉमिकल पोटेंशियल, रिचर्ड सर एब्सोल्युटली राइट टाइम दैट आई गॉड ब्लेस विथ योर सिंसियर कोर्स। अभी इंडिया में अगर आप देखो 3-4% केवल इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, US में, ऑस्ट्रेलिया में 40% के ऊपर हैं। अभी अपनी ट्रेडिंग में एक प्रॉब्लम है, आप में से कितने लोग ट्रेड करते हो मेरे को बताओ पहले, ट्रेड या इन्वेस्ट करते हो? काफी सारे लोग करते हो, सूरत में हम। अच्छा, एक बात बताना भूल गया यार, वो फ्लाइट जो मैंने पकड़ ली थी और यहाँ आ गया था, मेरा नेट फ्लाइट में नहीं चल रहा था, और होटल के रूम में जब मैं आया हूँ, मेरे ख्याल से 2:40 की फ्लाइट थी, होटल के रूम में लमसम 3:15 बजे आया हूँ, मैंने अपना मोबाइल खोल करके देखा और क्या देखा कि यार मेरे को 25 लाख का प्रॉफिट हो रहा है सूरत की धरती की वजह से। इतना बड़ा प्रॉफिट मेरे को कभी नहीं हुआ, जीवन में कभी नहीं हुआ। अब ये देखो, एक तो माइंड सेट हो गया, और एक क्या हो गया, ये धरती। ठीक है, अभी ये धरती जो है, अब ये जैसी भी है, जो भी है, मेरे को नहीं पता कि मैंने कानपुर में रहते हुए या मुंबई में भी इधर उधर गया, दिल्ली में भी गया, उधर क्यों नहीं हुआ ऐसा। एक झटके में क्या हो गया कि यार फ्लाइट के इधर आते ही, मतलब मेरे को, मैंने देखा जाकर कि यार लैंड जब करी थी 2:40 पे, तो जो स्टॉक था जो गिरा था एक्चुअल में, HCL टेक, उसका अगर आप लो देखोगे तो 2:40 है। तो जब मैंने यहाँ लैंड किया तब उसने लैंड किया, कैसे हुआ मेरे को नहीं पता, बट इट वॉज अ लाइक, मेरे को मतलब 25 लाख का प्रॉफिट एक झटके है। मेरे स्टूडेंट है, उन्होंने 25 लाख कमाया हुआ है, एंड मेरा एक इंस्पिरेशन थे वो कि मैं भी 25 लाख कमाऊं एक महीने में, एंड वो हो गया। आई डोंट नो आपके साथ में बीच में बैठे हैं कि नहीं, मेरे एक स्टूडेंट है मनीष रमानी जी, सूरत से हैं, इंटीरियर डेकोरेटर हैं,
उन्होंने 1 लाख की कैपिटल से स्टार्ट किया था जनवरी 2022 में, अभी उनकी कैपिटल 27 लाख हो चुकी है, अभी सूरत के ही, अभी शायद वो जा चुके हैं, हुबली में शायद उनकी कोई शादी है, आई थिंक जा चुके हैं, इधर वो पूरा दिख नहीं रहा आई थिंक, बट आपसे एक चीज पूछता हूँ, जो लोग इन्वेस्ट करते हो, ट्रेड करते हो, अगर आपको ये पता चल जाए कि स्टॉक का डायरेक्शन क्या होने वाला है तो बताओ प्रॉफिट होगा? होगा। अगर आपको ये भी पता चल जाए कि एग्जैक्ट एंट्री डेट क्या है, होगा? आवाज नहीं आ रही मेरे को, और मेरे को पता है सूरत में सब लोग इन्वेस्ट करते हैं, मेरे को ये पता है कि सूरत में हर आदमी किसी ना किसी तरीके से इन्वेस्ट या ट्रेड करता ही है, तो बताओ भाई होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, टारगेट भी पता चल जाए अब क्या होगा? होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। ये तीन बातें अगर अपने को पता चल जाए यार, तो वंडर्स हो सकते हैं, एग्जैक्ट एंट्री डेट, डायरेक्शन एंड टारगेट। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है स्टॉक मार्केट में जिससे रिजल्ट मिल सकता है, वो जरा देख लेते हैं। एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में बहुत सारी मेथड्स हैं, आप सब जानते हो, टेक्निकल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस के भी अंदर कई सारे मेथड हैं, जानते हो आप लोग, इलियट वेव हो गया, गार्टले पैटर्न हो गया, ऑसिलेटर्स हो गए, बॉलिंजर बैंड हो गया, बट प्रॉब्लम एक मिसिंग है। एक क्या प्रॉब्लम है कि टाइमिंग की कोई बात नहीं कर रहा। टाइमिंग की बात जब हम करते हैं तो इतना बड़ा, जैसे गौर गोपाल दास जी कह रहे थे, एक्स फैक्टर, इट्स अ एक्स फैक्टर, वो एक्स एक्सिस पे भी होता है टाइम, तो वो जो अपने को बेनिफिट मिल सकता है वो टाइम से मिल सकता है। एंड स्टॉक मार्केट में वो क्या चीज है जो सबसे अच्छे रिजल्ट, एक सेकेंड सॉरी मैं पीछे चला गया। अच्छा, अब आपसे एक चीज पूछता हूँ, एक होता है लीडिंग इंडिकेटर, एक होता है लैगिंग इंडिकेटर, जानते हो लीडिंग क्या होता है, पहले आगे आगे जो चल रहा है। आपको पता चल जाए 2 दिन बाद बरसात होने वाली है, आप क्या क्या करोगे बताओ मेरे को, क्या क्या करोगे? सुनाई नहीं दे रहा मेरे को, क्या क्या आप बताइए, तैयारी करेंगे, और बताइए आप, और कौन क्या बता रहा है, बीच सीड्स डालेंगे, अरे वाई नॉट, तो नई तैयारी कर ली। अच्छा, और बताइए, और बताइए क्या करेंगे, हाथ हाथ ऊपर करिए, क्या क्या, कोई कह रहा छाता, छाता, ओहो, और बताइए क्या करेंगे, पता है 2 दिन बाद बारिश होने वाली, क्या करोगे यार बताओ जल्दी से, सेफ जगह पे जाएंगे। चलिए, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करेगा, कोई रेनकोट पहनेगा, कोई कार से जाएगा, कोई ऑफिस ही नहीं जाएगा, बहुत सारी चीजें करेंगे। सेम चीज स्टॉक मार्केट में तैयारी करने के लिए, मतलब अगर आपको ये पता चल जाए यार कि 2 दिन बाद कुछ होने वाला है तो आप उस हिसाब से तैयारी करोगे। अभी मैं बताता हूँ टाइमिंग को कैसे आप पकड़ सकते हो, साइकिल्स के थ्रू पकड़ सकते हो। हमारी सांस जो है इट्स अ साइकिल, ठीक है, हमारी हार्ट बीट इट्स अ साइकिल, डे नाइट इवनिंग इट्स अ साइकिल, और साइकिल का मतलब क्या है, एनीथिंग विल रिपीट, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, हार्ट बीट, ईसीजी रिपोर्ट, इट्स अ साइकिल, ठीक है, डे नाइट इवनिंग सब साइकिल है, ठीक है, लाइफ एंड बर्थ भी साइकिल है, ठीक है। एंड अब ये एक साइकिल आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, इससे आपको एक झटका लगेगा, क्या झटका लगेगा, ये जो डेट देख रहे हो ना, 17th October 2012, 1st March 2014, अभी किसी के पास एक्सेल नहीं होगा, कोई कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, मैं बता दे रहा हूँ, दोनों डेज के बीच का डिफरेंस 500 डेज है, ये दोनों डेट्स के बीच का डिफरेंस 1st March 14 एंड 14 जुलाई 2015 इनके भी बीच का डिफरेंस 500 डेज है, ऐसे ही हर एक डेज के बीच के डिफरेंस 500 डेज है। अभी अशोक लीलैंड में 500 डेज में ये साइकिल आ रही है, 3rd January को आई, 22nd August को आई, 9th April को आई, हर दिन आई, ठीक है, ये रिटर्न्स है, अभी आपको दिखा देता हूँ, ये देख रहे हो आप, ये दो डेट्स के बीच में जो भी रिटर्न्स है उसके 39%, ठीक है, फिर अभी 22nd August 2019 44%, 45%, उसके बाद में 9th April 2018 15%, 7% 15%, है ना, और ये 25th of November 2016 फेल हो गई है 6-7%, 14th July 2015 25%, देखो 25% अशोक लीलैंड का स्टॉक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि यार साइकिल लगातार कुछ ना कुछ रिटर्न दे रही है एवरी 500 डेज, और ये 1st March 2014। अभी मैं आप लोगों से पूछता हूं, हमने क्या देखा, हमने क्या देखा कि बार बार पॉजिटिव रिटर्न दे रही है, तो अभी क्या देगी, कोई हैंड रेस करिए तभी मैं पूछ पाऊंगा, हाँ बताइए क्या करेगी। हाँ, अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपका एक फ्रेंड है राजू,
ठीक है, हमेशा आपका साथ देता है। अभी अगली बार काम आया है, क्या करेगा? साथ देगा ना, वही चीज है। तो और बाकी लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव जाएगी कि नेगेटिव? पॉजिटिव जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं। ये आपका 57% गया, पीछे देख लो 58 का कुछ लिखा है, 57 गया, ठीक है। उसके बाद में यहां पर 23% लिखा है, पॉजिटिव जाएगी कि नेगेटिव? पॉजिटिव जाएगी, ठीक है, देखते हैं। कई अभी इन सब चीजों से एक चीज सीखने को मिल रही है कि यार ये तो लगातार पॉजिटिव दे रहा है, मतलब कि आपका एक फ्रेंड था राजू, वो हर बार आपका साथ दे रहा है। एक आध बार नहीं दिया कोई बात नहीं, एक आध बार नहीं दिया कोई बात नहीं, बट अदरवाइज दे रहा है। अगर किसी ने, आपके फ्रेंड ने 10 में से 8 बार आपका साथ दिया, तो अभी 11th टाइम आप क्या सोचोगे, देगा कि नहीं देगा? देगा ना, वही चीज है। तो ये साइकिल ने क्या किया, आपको एक चीज दिखाई कि यार बार बार वही चीज कर रही है। अभी मैं आपसे 5 चीजें पूछता हूं, ठीक है। अभी क्या आपको पता है कि ये 18th मार्च 2020 को जब साइकिल आएगी तो क्या डायरेक्शन होगा इसका? पॉजिटिव। अच्छा, अच्छी बात बताऊं, आज क्या डेट है? 11th दिसंबर। ये डेट बीत चुकी है, अगर आप जाके अशोक लीलैंड में चेक करोगे तो 16% का रिटर्न मिलेगा आपको। एग्जैक्ट एंट्री डेट आपको पता है क्या होगी इसमें? जिसको पता है हाथ रेज कर देना। किसी को समझ में आ रहा है? 18th मई के बाद में अब एंट्री डेट कब होगी? भाई हमें पता है कि यार डायरेक्शन तो पॉजिटिव दे रही है, हर बार पॉजिटिव दे रही है, हर बार बुलिश दे रही है। अभी नेक्स्ट डेट कब होगी ये आप जानते हो? सारी एंट्री डेट्स लिखी हैं। 30 सितंबर कौन बोला? इनके लिए तालियां, बहुत सही आंसर, ठीक है। चलिए, तालियों में यार बहुत कम आवाज आ रही है। तो आप लोगों को समझ में आया 30 सितंबर कैसे बोला इन्होंने? क्योंकि एवरी टाइम 17 अक्टूबर में 500 डेज ऐड करोगे, 1 मार्च आएगा, फिर 14 जुलाई में 500 डेज ऐड करोगे, ऐसे सारी डेटें वैसे ही आ रही हैं। तो अभी यहाँ 18 मई को आप जब 500 डेज ऐड करोगे तो 30 सितंबर आएगी। सेम तरीके से 2023 में जो साइकिल आने वाली, 500 डेज ऐड कर दो, 11th फरवरी 2025 को जो साइकिल आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली, वो अभी से पता है, अभी से पता है क्या होने वाला है, ठीक है। तो एग्जैक्ट एंट्री डेट भी पता चल गई, एग्जिट डेट बताओ मेरे को कहीं से पता चल रही है। एक चीज आपको बता देता हूं, इसमें साइकिल में एक रेंज है 32 डेज का। 32 डेज का रेंज क्या कह रहा है कि यार इसमें एक बार पोजीशन बनती है तो 32 डेज तक हम रह सकते हैं, ठीक है। तो अभी उस चीज को आप देखो, जरा बताओ मेरे को कि एग्जिट डेट क्या लग रही है आप लोगों को? 1st नवंबर 2023, किसने बोला? बहुत बढ़िया, क्लैपिंग कायदे से, ठीक है। अभी क्या कि टारगेट भी इधर ही निकालते हैं। सबसे छोटा इसमें परसेंटेज क्या दिख रहा है? 7 हमारा सबसे पहला टारगेट बन सकता है, क्योंकि भाई इसने पास में जितने भी रिटर्न दिए उनमें से सबसे छोटा वाला बड़ी आसानी से पास करता। सेकंड वाला आपको क्या दिख रहा है? नेक्स्ट बिगर नंबर 15% दिख रहा है, ठीक है। तो वो हमारा टारगेट 2 बन सकता है, ऐसे ही टारगेट 3 बन सकता है यार, उससे अभी टारगेट की भी एक्यूरेसी निकल सकती है। टोटल इवेंट्स कितने दिख रहे हैं आपको, जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं कितने दिख रहे हैं, काउंट करके मेरे को बताओ। 7। अच्छा देखो, मैं एक चीज बता दूं, आप लोग यार गुज्जू लोग हो, आप लोग सब जानते हो यार ट्रेड कैसे करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है। मेरी गलती है, मैं कुछ लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सब लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। आप सब जानते हो मेरी गलती है, मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपको कुछ सिखा पाऊँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या यहाँ पे मेरे को बताओ, 7 इवेंट्स आपको दिख रहे हैं? 7 इवेंट्स दिख रहे हैं ये, ठीक है। ऐसे 7 में से हमारा टारगेट जो है 7% था, उसकी एक्यूरेसी निकालनी है अपन को। एक्यूरेसी कैसे निकलेगी? एक्यूरेसी ऐसे निकलेगी कि 7 कितनी बार आया वो बताओ मेरे को, 7% कितनी बार दिख रहा है? 7% या उससे ऊपर कितनी बार दिख रहा है? 7 या उससे ऊपर? 7 times, तो 7/7 करें तो कितना आएगा? 100%, बिल्कुल सही, ठीक है। चलो अभी इससे 7 से ऊपर बड़ा क्या था? 15 एंड अबव के कितने केसेस दिख रहे हैं? 6, तो 6/7 कर दे, 6/7 कर दे, एक्यूरेसी निकल आएगी, कर दे, कितना होता है बता दो भाई 6/7, मैं तो भूल गया। 6/7 सुनाई, एक लोग हाथ उठा लो, बस एक लोग हाथ उठा लो, मरमरिंग में समझ में नहीं आता। 85
सही आंसर, ये बाय द वे जिन्होंने आंसर किया ये मेरे स्टूडेंट है जयेंद्र जी। सो अपना आंसर क्या आया, 15% का टारगेट अगर आपको चाहिए तो उसकी एक्यूरेसी 85% है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमें सब चीजें एक साथ अभी की अभी पता चल चुकी हैं। अभी की अभी सारी चीजें पता चलने से एक बहुत बड़ी एडवांटेज होती है कि हम प्लान कर पाते हैं। आप लोग एक बात बताओ, आप लोगों को आपका पड़ोसी अभी शादी का कार्ड दे कि भैया अभी रात में शादी, आप जा पाओगे नहीं जा पाओगे? ऐसे ही मार्केट में एकदम से डिसीजन जब लेना पड़ता है तो हम नहीं ले पाते। हमें अगर ये पता है कि यार 6 महीने बाद क्या होने वाला है या 3 महीने बाद जो हमको पोजीशन लेनी है, अभी से पता है। अशोक लीलैंड में आपको अभी से पता है कि यार 30 सितंबर को क्या होने वाला है या हमें जहां पे पोजीशन लेनी, फेल हो सकती है ऑब्वियसली, बट हमें अभी से पता है सब कुछ। ठीक है, अभी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या मैंने कुछ दिमाग घुमाने वाला आपको बताया? बस एक ही दो लोगों को बताया, बाकी सब सो रहे हैं। बताओ भाई, यस? अरे यार नहीं समझ में आ रहा मेरे को, यस ही नहीं सुनाई दे रहा। कोई कह रहा नो? मेरे को पता है भाई, गुजराती लोगों के बीच में हूं, आप लोगों को पहले से पता होगा काफी कुछ। ठीक है, तो अभी एक चीज पूछता हूं यार, ये क्या आपको किसी और ने पहले बताया, यूट्यूब पे कहीं पे देखा आपने? नो? आपने देखा नहीं देखा? अच्छा ठीक है, तो क्या ऐसा कुछ आपने किसी भी YouTube पे नहीं देखा? ठीक है, ऑब्वियसली किसको मेथड इजी लगा जो मैंने बताया? बड़ा सिंपल सा था, छोटी सी चीज थी, इजी लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसको लगता है कि इस मेथड से रिजल्ट मिल सकता है? अच्छा बाय द वे, जो मैंने प्रॉफिट किया था इसी मेथड से किया था। अजी अभी कुछ आपने, अरे सॉरी यार मैं पीछे चला जाता हूँ गलती से। कितने लोगों को मजा आया? बस कुछ ही लोग इन्वेस्ट या ट्रेड करते हैं? सब लोग करो यार, हू हू। मैंने भी यार वहां पे बैठ करके खूब ताली बजाई है सबके लिए, ऐसा नहीं है यार, बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो अभी एक और सवाल पूछता हूं, क्या स्टॉक मार्केट में आसानी से फोरकास्ट किया जा सकता है? किया जा सकता है। कितने लोगों को लगता है कि आपने एक नया मेथड सीख लिया अभी का अभी, एक झटके में सीख लिया, बस मैं सफल हो गया? मेरा YouTube चैनल है, आप इसको फॉलो कर सकते हो, पिक्चर ले सकते हो, रुचिर गुप्ता ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, सेम नेम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। बट बी अवेयर, कुछ लोगों ने फेक चैनल्स भी खोल लिए हैं मेरे नाम से। रुचिर गुप्ता ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट रिसर्च सेंटर फेसबुक का ग्रुप का नाम है, एंड ये वो 25 लाख का प्रॉफिट है जो मैंने किया था SCL टेक में। 42,000 क्वांटिटी थी मेरे पास, जितने देर में मैं आया, जितना मैं सांस वांस ले पाया, 35,000 ही बुक कर पाया, 7,000 अभी भी रह गई है। बाकी का जो प्रॉफिट आ रहा था वो सिल्वर से आ रहा था, अराउंड 2 लाख रुपीस, अभी वो शायद 3 लाख हो चुका है। ये कुछ स्टूडेंट्स के रिव्यू हैं, ये आप अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे तो आराम से देख पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत ही मतलब बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, एक हफ्ते में या ऐसे फीस रिकवर करी है, ये एक स्टूडेंट का फीडबैक है। मल्टी लेयर सपोर्ट सिस्टम वी हैव, फेसबुक कम्युनिटी, लाइव क्यू एंड ए सेशन एवरी वीक। ठीक है, स्टूडेंट्स भी करते हैं क्यू एंड ए सेशंस, चैनल टेलीग्राम चैनल है। अच्छा आप लोगों के लिए जो फ्री सेशन मैंने रखवाया सुनील सर एंड स्नेह भाई से बात करके, एंड इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल सेशन फॉर यू ऑल, जिसकी वैल्यू 20,000 होती है, बट आप लोगों के लिए इन्होंने मेरे से लड़ झगड़ करके फ्री करवा दिया, इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। एंड दिस इज द लिंक ऑफ द सेशन, ruchirgupta.co.in/surat, स्पेशली आप ही लोगों के लिए सेशन करवाया है। QR कोड आप स्कैन कर सकते हो, इट विल बी हेल्ड ऑन 14th of December 2022, 7 से 10 बजे, ऑनलाइन लिंक रजिस्टर करने के लिए। यहाँ पे ये रुक जाता है, मगर मेरा काम नहीं रुकता। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ यार, 16 साल से मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग तो कर रहा हूँ, बट मेरा एक फियर था। फियर क्या था कि यार मैंने 7-8 साल तो सेक्यूलेशन में, आइसोलेशन में बिताए हैं बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, रिसर्च करने में। फिर उसके बाद में जब मैंने कोर्सेस सिखाना चालू किया एंड सारी चीजें जब चालू करी, तो एक अंदर से डर था यार टीम बनाने का। सब कुछ मैंने अपने अकेले किया, जैसे सुनील सर कह रहे थे सब कुछ अकेले उन्होंने किया, वैसे ही मैंने किया। और जब हायरिंग की बात आई तो मेरे को लगा यार क्या होगा, कैसे होगा, पीपल मैनेजमेंट आता नहीं, 7-8 सालों से किसी से बात नहीं करी।
और फिर क्या हुआ, एक एक करके हायरिंग हुई और टीम बढ़ती गई बढ़ती गई। एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एंड इट इज रिलेटेड टू सेल्स, और ग्रोथ के लिए वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनना चाहोगे आप लोग? 2013 में मैंने बॉर्न रिच करके एक प्रोग्राम था बॉब प्रॉक्टर का, कितने लोगों ने देखा है, सुना है, देखा है, ठीक है। उसमें मैंने एक चीज पकड़ी और वो उसका क्रक्स है, और उसमें क्या मैंने देखा और सुना, और वो चीज जब देखता हूं तो मेरे को गूज बम्स आते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जब बताता हूं तो भी हो जाता है, शायद इस वक्त भी हो जाए। हुआ क्या उसमें कि उस प्रोग्राम में बॉब प्रॉक्टर वॉज टेलिंग की एक कंपनी में, एक इंश्योरेंस कंपनी में अमेरिका में, वो सेल्स पीपल की ट्रेनिंग ले रहे थे, एंड उस सेल्स पीपल की ट्रेनिंग में उन्होंने बताया कि सारे लोग जितने यहाँ पे बैठे हैं, दे कैन राइट $5 million इन वन ईयर, बिजनेस राइट कर सकते हैं। एंड जो मैनेजर उनको लेके आया था स्पीच के लिए, उसने उनको किनारे लेके गया, इधर आओ, तुम्हें पता है कि ये कंपनी 100 साल पुरानी है? इन्होंने कहा हाँ। उसने कहा तुम्हें पता है कि इस कंपनी में $1 million किसी बंदे ने नहीं लिखा है? वो कहता है हाँ, तो आप बन सकते हो पहले, खतरनाक बात। उसके बाद में वो बंदे ने कहा यार कि आप कह रहे हो कि मैं लिख सकता हूं, मगर आपने कहा एक साल में, इस साल में, और ये साल में अगस्त तो आ चुका है, इस साल में अगस्त तो आ चुका है, मतलब कि साल में 4 दिन 4 महीने बचे हैं। तो बॉब प्रॉक्टर ने कहा तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा टाइम लगने ही वाला नहीं है आपको। एंड वो बंदा नवंबर में $5 million क्रॉस कर देता है, लिख लेता है बिजनेस, लिख लेता है, एंड वो जब करता है और वो एंड करता है ईयर का 6 million समथिंग में, एंड वो जब करता है तो क्या होता है कि पूरी कंपनी से एक के बाद एक सबकी $5 million की सेल आने लग जाती है। सेम ट्रेनिंग मैंने अपनी टीम के अंदर ली, एंड उसमें एक बंदा था जिसने उसको क्रॉस किया, उसको क्रॉस किया, ही वॉज अ फ्रेशर, उसने 5 lakh का बिजनेस किया। उसके बाद में एक के बाद एक बहुत सारे लोग आते चले गए। इसके बाद में आगे जाऊंगा, सबसे शायद मेरा थोड़ा सा और टाइम बचा है, बट आगे जाऊंगा आप लोगों के प्यार के लिए जो आप लोगों ने दिया। जस्ट लेट मी एड वन मोर थिंग, रुचिर आपको जो बता सकते हैं उसके लिए 2 से 3 घंटे का वक्त चाहिए, मगर आज हमने सिर्फ छोटा सा वक्त उनको दिया था, और इस छोटे से वक्त में जो उन्होंने शेयर किया है आपके साथ, कुछ लोगों को बड़ा मजा आया, कुछ लोगों को नहीं भी पता चला ये भी बता दूं, और कुछ लोगों को इससे ज्यादा भी पता है। देयर वुड बी यू नो मिक्स ऑफ ऑडियंस, बट मैं ये मानता हूं कि अगर आप उनको 2 से 3 घंटे का वक्त देंगे, जो एक स्पेशल वेबिनार उन्होंने आपके लिए प्लान किया है, देन आई एम वेरी वेरी श्योर कि तब उनके पूरे कॉन्सेप्ट और स्ट्रैटेजीज को आप कई गुना बेहतर समझ पाएंगे। सो कैन वी हैव दैट स्लाइड अगेन ऑन द स्क्रीन, अगर किसी ने उसका फोटो नहीं लिया है तो प्लीज ले लीजिएगा, मेक श्योर दैट यू अटेंड दैट, और उस बहाने आपको कुछ ₹1000 की वैल्यू का प्रोग्राम तो फ्री मिल रहा है, बट देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस मच बेटर। दोस्तों, स्टॉक मार्केट के साथ जुड़ी हुई चीज है, आप रिसर्च करके मोबाइल खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, बस वैसे ही कुछ रिसर्च और नॉलेज और एक्सपीरियंस के बाद ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर कोई हमें सिखा सकते हैं तो पहले सीखना चाहिए, राइट? मैं कहना चाहूँगा, सच्ची बात बताऊँ, मतलब दिल से अगर बोलूँ तो मेरे को लगता है कि सूरत से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्नेह सर यहाँ पे मेरे को मिल गए हैं, ऐसा पर्सन मिल गया है कि यार मतलब मेरे को लग रहा है कि क्या ही हो जाएगा यार, मतलब कैसे मैं यहाँ पे आया हूँ। सुनील सर ने मेरे को बुलाया, बताया इसके इवेंट के बारे में, फिर स्नेह सर से बात हुई और यहाँ आया, और क्या क्या चीज़ें हो गई मेरी लाइफ में मेरे को नहीं पता। मैं अगर बोलूँ तो मतलब आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और खड़ा कैसे हूँ, कैसे बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, ये शायद इन लोगों की पावर है, पहले ही जूम पे इतना मेरे को पावर अप कर दिया। आई मीन मुझे मतलब सच बात बताऊँ, मेरे से प्रेजेंटेशन मांगी जा रही थी, मैंने कहा यार मैंने काम नहीं किया था प्रेजेंटेशन पे, एयरपोर्ट पे वही बना रहा था, एंड उस प्रेजेंटेशन के चक्कर में शायद मैं आ भी ना पाता यहाँ पे, बट आ गया। वंडरफुल, यू डिड अ ग्रेट जॉब, लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर वन मोर थिंग, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं एक थाईलैंड में बहुत ही इम्पोर्टेंट मंक हैं जिनके हम फॉलो करते हैं, उन्होंने हमें ब्लेस किया कई चीज़ों में, उन्होंने ब्लेस करके मेरे को ये नेकलेस दिया जो मैं पहन के हैं, मतलब हाथ में घूमता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी बिजनेस इतनी बढ़े
ना कि इनकम बढ़े पर आप भी आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ कि ये गिफ्ट मैं आपको दूँ।